यो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम जा रहे हैं भाई अली भाई के साथ, अली भाई की गाड़ी में आइसक्रीम खाने। तो आपको भी साथ लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि हमारे समुद्री में आइडल स्वीट्स है। सुना तो है कि बड़ी अच्छी आइसक्रीम है उनकी, तो आज आके मैं भी टेस्ट करूंगा कि कैसी कैसी है। अली भाई आपने तो टेस्ट की होगी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। अली भाई के कह रहे भी मैंने एक मरतबा खाए हैं, वो शवारमा खाया था तो उसका तो मुझे पता लग गया था। अभी आइडियल आइडियल की अच्छी होगी, मजेदार है। इंशाल्लाह मजेदार हो गया है मतलब। अभी जी अली भाई चले गए मेडिकल स्टोर, तो अली भाई बाहर करिए, तो हमने कहा अंदर से ला कर दी है। भाई भाई एक शर्त पे अंदर आने दूंगा, एक शर्त पे आइसक्रीम लाएगा तो फिर ये कराएगा नहीं रही है। अच्छा मैं क्या एक शर्ट में अंदर आने दूंगा आइसक्रीम खिलाएगा तो तूने कहा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ਕੁਲਬਾ ਮੰਗਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਮੈਂਗੋ ਮੰਗਾ ਲਈ। ਸਲਾਮ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਫਲੇਵਰ ਪਿਆ? ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂਗੋ ਹੈ ਪਿਸਤਾ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾ ਲਈ? ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾ ਲਾ? ਬਈ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵਾ? ਤਿੰਨ ਫਲੇਵਰ ਵਾਲੀ। ਉਸ ਕੋ ਬੜਾ 60 ਰੁਪਏ ਕਾ ਪੈ, ਤਿੰਨ ਵਾਲਾ 80 ਰੁਪਏ। ਤਿੰਨ 80 ਵਾਲਾ ਕਰ। ਤਿੰਨ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਕੂ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾ। ਤਿੰਨ ਕਾ ਪਲੀਜ਼ ਕਰ। ਹਾਂ ਮਿਸ ਕਰ। ਤਾਂ ਅਭੀ ਹਮ ਪਹੁੰਚ ਚੁਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਈਡੀਅਲ ਬੇਕਰ। ਤੋ ਇਹ ਹਮਾਰੀ ਤੀਸਰੀ ਟੇਕ ਹੈ ਔਰ ਤਿੰਨ ਕਾਪ ਹਮਨੇ ਮੰਗਵਾ ਲਈ ਹੈ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਕੇ ਔਰ ਤਿੰਨ ਸਕੂਪ ਕੇ ਸਾਥ। ਕੌਨ ਕੌਨ ਸਾ ਸਕੂਪ ਹੈ? ਕਾ ਪਿਸਤਾ और मैंगो चोकलेट। मैंगो है, चॉकलेट नहीं है मैंगो। तो अभी भाई लगा रहे हैं चमचे वगैरह डाल रहे हैं, तो आ रहा है अभी स्कोप हमारा। डकी भाई का नाम दिया क्या? ये आ गया जी हमारा आइसक्रीम। ये मुजम्मल भाई की है, ये अली भाई की है। भाई मेरा भी ध्यान टिश्यू लाडो सेंस बीच गड्डी ना मारे। ठीक हो गया जी, तो अभी हम खाते हैं इसे। हम जी आए हुए थे आइडियल बेकर्स, तो मेरे पीछे आइडियल बेकर्स है। तो अभी हमारी गाड़ी है ये हमारी गाड़ी नहीं है BMW, तो हमारी ये गाड़ी आ रही है। तो अली भाई कल्टस हमारी है BMW। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह देगा, इंशाल्लाह लेंगे BMW भी। भाई गाने बंद कर ले, गाने लगाए हुए हैं तो कॉपीराइट आ जाएगा। अभी जी आइसक्रीम खा के घर पहुंच चुके हैं, तो अली भाई का शुक्रिया। थैंक यू अली भाई गाड़ी पे लेके जाने का। तो गाड़ी अच्छी है आपकी, तो आइसक्रीम खिलाने का भी शुक्रिया। तो चलिए मतलब भाई चलो चलिए भाई, बाहर गर्मी कितनी ज्यादा है भाई। आए हाय 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 हाय। तो ठीक है भाई, तो बाहर निकला हूँ। मेरी जो ग्लासेस है वो धुंधली हो चुकी है भाई, शीशे पे एसी से निकल के ना बाहर निकल गए, तो ग्लासेस सारी धुंधली हो चुकी है। फिर आज ही जुमे का दिन है, और जो मेरा आर्डर है वो सुबह सुबह पहुंच चुका है। दराज रोड पीके से मैंने आर्डर किया था हेलमेट में लगाने वास्ते माउंट मोबाइल के लिए। तो आपको भी दिखाते हैं अभी इसके, इसे खोलते हैं। मैं अभी खोलता नहीं है, अभी पैक ही है बिल्कुल, अभी अभी पहुंचा है। तो मैंने सोचा आज लगते हाथ बाइक को भी साफ कर लिया जाए, ताकि ज़्यादा देर पेंडिंग ना रहे, बाइक बहुत गंदी है।
तो अच्छी भी नहीं लगती गंदी बड़ी, तो और भी नुकसान हो सकता है इससे जंग वगैरह का। तो बाइक को भी साफ करते हैं और आपको ये भी दिखाता हूँ। अभी करते हैं जी इसकी अनबॉक्सिंग, क्या है इसके अंदर, किधर से खुलेगा, इधर से खुलेगा। वैसे तो कहीं से खुलता है, मैं छोटी दे के आ गया। ठीक है, खुल गया। इसके अंदर से एक और पैकेट निकला, इसे भी खोलते हैं। पैकेट के अंदर से पैकेट निकला, पैकिंग तो इन्होंने अच्छी की है। अंदर से ये भी लगाया हुआ है, ये होता नहीं है पॉलीथीन का कहते हैं, क्या कहते हैं। तो ये जी पहुंच चुका है हमारा माउंट, क्या बात है। ओ रिमोट भी मिलता है इसके साथ, एक रिमोट भी है। तो ये जी वो हमारा सेटअप है सारा, हेलमेट भी लग जाएगा। अभी रहता है जी इसके लिए एक हेलमेट लेगा, तो उसके लिए हेलमेट भी एक लेंगे। तो यहाँ पे लग जाएगा मोबाइल, ये उसके माउंट वगैरह है सारे, ये भी, और साथ मिला है हमें एक रिमोट। तो ये काम कैसे करता है ये नहीं अभी पता हमें, ये काम कैसे करेगा खुद बखुद। ये तो हो गया अनबॉक्स, अब टाइम है बाइक साफ करने का, तो बाइक साफ करते हैं। अभी टाइम है जी बाइक वगैरह साफ करने का। चलान हवाई फैल गई है बंद चला रही। अभी टाइम है जी बाइक साफ करते हैं इसे। बाइक कुछ ज्यादा ही गंदी थी तो उससे साफ नहीं हो रही है, अभी इससे करते हैं, आराम आराम से करते हैं ताकि पानी ना जाए कहीं भी। बाइक वगैरह तो धो ली है, तो इसका सिर्फ ये रह गया है लटका सा, तो इसको आरसी के साथ जोड़ लेते हैं अभी, तो ये भी ठीक हो जाएगा और बाइक साफ होगी हमारी बिल्कुल। तो अभी अपना टाइम है नहाने का, जुम्मे का टाइम हो रहा है, तो खुद भी नहा लेते हैं। मुजम्मल भाई गैन पड़ते हुए मुजम्मल भाई गर्मी ज्यादा है। मुजम्मल भाई पिछली वीडियो में कह रहे थे कि लोगों ने कहना कि ये भाई क्या अनोखा काम करते हैं, है मुजम्मल भाई। तो चलिए कैन पढ़ दें।
यहाँ पे नहा रहे हैं तो हमारी बचपन की जो यादें हैं वो ताज़ा हो गई हैं। हम भी यहाँ पे आके नहाया करते थे, अभी नहीं नहा रहे। तो अब वैसे भी मैं कपड़े साफ पहने हुए हैं तो मैं पानी के अंदर नहीं जाऊँगा, तो यहाँ भी नहाते रहे हैं। वहाँ आगे भी जाके एक है, वहाँ भी नहाते रहे हैं। तो ये भाई देखे कहाँ पे चढ़ गए, इस तरह जी बच्चे यहाँ पे नहाते हैं। ये समुद्री का इलाका है, ये भी एक छोटी नहर है जिसे सुबह भी कहते हैं और छोटी नहर भी कहते हैं, साथ ही हमारे बड़ी नहर लगती है वहाँ पे। तो कैसी लगी है आज की वीडियो, उम्मीद है आप सबको अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिया करें और नीचे कमेंट कर दिया करें कि आज की वीडियो जो थी आपको कैसी लगी है। जो भी वीडियो उसमें कमेंट किया करें कि ये वीडियो बोरिंग थी या इसमें ये मसला था या ये मसला था या ये कमी थी या ये अच्छी बात थी, तो प्लीज़ कमेंट किया करें ताकि मुझे पता लगे कि मेरी क्या गलतियाँ तो मैं वो ठीक करूँ। तो आज की वीडियो तो यहीं तक, तब तक के लिए अल्लाह।